बलूचिस्तान के पास सितारा होटल में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने इस इलाके की सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीनी नागरिकों की रक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना ने विशेष दल बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तानी सेना के सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इसकी जानकारी भी दी है। गौरतलब है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट काफी मायने रखता है। यहाँ $50 बिलियन की लागत का सीपैक परियोजना चल रही है। यहाँ चीन के साथ साथ इसमें बल्कि कई देशों के लोग काम करने में जुटे हैं। मेजर जनरल गफूर ने सीपैक को पाकिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती का एक जीवांत उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना की सुरक्षा सुनिश्चित करना पाकिस्तानी सेना का कर्तव्य है। उन्होंने रावलपिंडी में शनिवार को चीनी मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने परियोजना की रक्षा के लिए एक पूरी डिवीजन आकार की सेना पहले से ही तैनात कर चुकी है। यही नहीं, वो इस उद्देश्य के लिए एक नई डिवीजन तैनात करने की योजना बना रहे हैं। इसे पहले कहा गया था कि सीपैक परियोजना और उसके लिए काम करने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए 9,000 पाकिस्तानी सेना और 6,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों की एक विशेष सुरक्षा दल बनाई गई है।